खबर राजधानी रायपुर से है, जहां भाजपा नेता राधिका खेड़ा के एक्स पर किए गए पोस्ट पर सांसद सुनील सोनी की प्रतिक्रिया सामने आई। दरअसल सांसद सुनील सोनी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने 5 साल में महिलाओं का सम्मान नहीं किया है, साथ ही विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का रास्ता चुना, जिससे कि छत्तीसगढ़ का नाम भ्रष्टाचार के नाम पर उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि अब वो रायबरेली में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी हारेंगे, इनके प्रचार करने से भाजपा की लीड और बढ़ेगी। पोस्टर कार्टून का चुनाव में हो रहे उपयोग पर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि व्यंग के माध्यम से सभी राजनीतिक दल एक संदेश देते हैं, संदेश का कोई बुरा नहीं मानता, ये एक तरीका है कि हम कैसे एक दूसरे दल को कटाक्ष करते हैं। देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 साल ना महिलाओं का सम्मान किया, विकास के नाम पे, नई योजना के नाम पे एक भ्रष्ट रास्ता ढूंढा और कहना चाहिए कि इस देश के अंदर में एक ऐसी सरकार बन गई जो छत्तीसगढ़ को एक भ्रष्टाचार के नाम पे एक पहचान बन गई कि छत्तीसगढ़ में लाओ जाओ आप, पारदर्शी भ्रष्टाचार है। ये हमारे लिए एक दुखद स्थिति थी और आज रायबरेली के अंदर में प्रचार करने गए हैं, निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी हारेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी इनकी बात में आकर, इनके भ्रम में आकर, इनके झूठ में फंसकर केवल छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के अंदर में उन्होंने भाषण दिया, जिसका लोकसभा के अंदर में हमने उल्लेख भी किया था कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर हर जिले के अंदर में फूड पार्क है। हमने पूछा था भूपेश बघेल जी, एक आध जिला तो बता दो, नहीं बताया। तो इस प्रकार से एक विकास का भ्रम झूठ बोलकर जो है वो राहुल गांधी भी भ्रमित हुए और फिर राहुल जी भ्रमित होंगे और उनके प्रचार करने से भारतीय जनता पार्टी की लीड और बढ़ रहा है।